हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ और ये वाला मेकअप मैंने खुद किया है और पता नहीं ये कैसे हो गया है, बट मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो आज मुझे कहीं जाना है नवी के साथ, तो अभी भी बस रेडी हो चुके हैं हम। बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। और ये फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी थी, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया था लिए हुए। तो सबने बोला था नई नई शादी हुई है, अभी इसको नहीं पहनना है। तो अब शादी 1 साल कम्प्लीट हो गया है, तो ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है और मुझे ये ड्रेस बहुत मतलब अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी अब पहनूँ, बट फाइनली अब टाइम मिला है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी मेरा फाइनल लुक क्या है। तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये ब्रेकफास्ट हम करने जा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हो हमारे दर्शकों को? अभी तो भूख लगी है, इस वजह से कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं ये। हाँ जी, क्या कर रही हो? अंगूर तो ये मेरा है ड्रेस जो मैंने आज पहनी है। अच्छा है, तो रेडी होके बस निकलने वाले हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी चलो। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी तुझ में। तो लिफ्ट आ चुकी है और हम निकलने वाले हैं जल्दी से। नॉर्मल वाला पानी कल भी नहीं आ रहा, पूरा दिन ऐसे रहे हमने, बर्तन ही यहीं धोए पड़े थे। अभी चालू है, अभी जैसे पानी ये वाला गया वैसे चला गया, वो भी किचन का जाता है सिर्फ, बाकी आता है हर जगह। तो आपके नल में प्रॉब्लम है वो। नहीं नहीं, किचन में दो नल के अंकल, एक तो आता है हमारा जो फ्रेश पानी है और बोरिंग का है और टीएमसी का किचन में, तो खाली का बोरिंग का जाता है। नहीं बोरिंग का कैसे रहेगा किचन में बोरिंग का कैसे नहीं है। किचन में है बोरिंग का हमारा नल। अंकल बोल रहे हैं कि पानी 24/7 रहता है। अभी की है कुछ प्रॉब्लम? ये बोलो 24/7 रहता है पानी की, नहीं कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोलते फ्रेश पानी, ट्यूबवेल वाला पानी तो बोलते नलके में आपको आना ही नहीं चाहिए, बोलते बाकियों के नहीं आता है। गुड मॉर्निंग अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो फिर भाभी, अब किसी से पूछा हमने तो उन्होंने बोला है कि सर्विस रोड से अंदर को जाओ और फिर थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा। आ जाओ जाओ। लाइन लगी और हमें एक्टिवा में डलवाना है हवा। तो यहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप, यहाँ पे हम हवा डलवाने आए हैं। ये इतना ग्रीनरी वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़। तो फ्लाईओवर बना है
आगे है, आगे पहाड़ी, आगे पहाड़ है, तो हिल स्टेशन है इधर हिमाचल की, शिमला की, गांव की, अपने घर की याद आ रही है इस टाइम पे। तो आज तो टाइम है नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसा हिल स्टेशन ले चलूँ घुमाने के लिए, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर आगे दिखा तो मैं दिखाऊंगी जरूर। अच्छा लग रहा है ना ये वाला एरिया, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की खोलते होंगे तो इनका जो व्यू है ना अल्टीमेट आता होगा सामने का। अभी तो बिकते हैं करोड़ों में, करोड़ों अरबों खरबों में बिकते हैं, सही बात है। बिल्डिंग का तो करोड़ रुपए लेते हैं। वो वैसे ही पहाड़ लग रहे हैं जैसे हिमाचल में। ये बोल रहा है ये आगे से पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो गया। नीचे को रास्ता जा रहा है लोनावला, लोनावला, लोनावला क्या है यार, लोनावला है ना, लोनावला यार नो नहीं है, लो है, लोनावला, लोनावला नो नहीं, लोनावला, लो ना ना वो ला, लोनावला, 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 पहली बार मैं शुद्ध नाम ले पाई हूँ लोनावला का। अभी तक मैं हमेशा ही जाती लोनावला। शुक्र है। दो मिनट रह गया यहाँ से। हाँ नहीं यहाँ पे धूप भी नहीं है इस टाइम पे, ऐसे लग रहा है सच में हम शिमला में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा एरिया है ये। तो लोग बैठ के खाना पीना कुछ खा रहे हैं, शॉपिंग करते हैं। लोकेशन के पास हम पहुँच चुके हैं लेकिन हमें अपना जहाँ पे हमें जाना है वो मिल नहीं रहा है, तो नवी जा रहे हैं अभी पूछने। ये बन रहा है हमारा मसाला डोसा और बहुत ही किफायती रेट में है ना। कितना ऐसे लग रहा है इसे बहुत इजी है बनाना। लग रहा है तो अच्छा बटर भी डाला हुआ है साथ में, ये स्पेशल मसाला है। इसमें कुछ और भी तो डालेंगे, आलू वगैरह नहीं डालते, आलू नहीं डालते इसमें। आएगा आएगा अभी आएगा। क्या आया? आलू। पहले डाला स्पेशल मसाला और फिर डाला ये बच्चे हो गया रेडी। वाओ ये सब करने का जो तरीका है इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पे देते हैं इस पेपर के ऊपर ताकि ये थाली गंदी ना हो और आई थिंक ये धोते भी नहीं होंगे। मुंबई है मेरे दोस्त, मुंबई है ये। मज़ा आ गया डोसा खाने में, बहुत अच्छा था। तो हम घर पे अभी पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब करूँगी मैं रेस्ट। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब नवी जा रहे हैं ऑफिस, 2 बज गया है, 2 बजे ऑफिस जा रहे हैं। तो आज बहुत ही लेट हो गए क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम था, इस वजह से जाना पड़ा। और टिफ़िन वगैरह सुबह ही मैंने तैयार कर दिया था, तो बस शाम को कितने बजे आओगे वही टाइम। शाम को भी पता नहीं कितने बजे आएंगे, हो सकता लेट भी हो जाए, हो सकता टाइम पे भी आ जाएं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन है मेरे लग रही क्या शर्ट की? नहीं इतनी नहीं लग रही यार, जा सकते हो पहन के। तो हाँ ऐसे हाथों हाथों में ना ऐसे लग रहा है जैसे एक एक इंच मिट्टी चिपक गई है फेस पे, एक एक इंच ऐसे साफ करना पड़ेगा मिट्टी को और ज़्यादा। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है मेरी। Thank you. Bye bye.